देवरिया महोत्सव में मैं अत्यंत आह्लादित हूँ और ये भोजपुरी का मंच है। पुरस्कार पाने वाले जितने भी प्रतिभागी हैं, ये निर्णायक मंडल के पास पीछे से जाके अपना पुरस्कार लेने, ये मंच के सामने ना खड़े रहे, पीछे हमारे अतिथि लोग बैठे हैं, उसको देखने में परेशानी हो रही है, पीछे चलिए हम लोग। जी बीच में हमारे बड़े भाई पधारे हैं श्री नंद कुमार तिवारी जी, जो विश्व भोजपुरी महोत्सव के बिहार प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं और इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, एक जंग छेड़ी है भोजपुरी की अश्लीलता के खिलाफ। उसमें हम जैसे और भी बहुत महान महान कलाकार के साथ जुड़े हुए हैं और तन मन धन तीनों से, और मैं इस देवरिया महोत्सव के मंच से ऐलान करता हूँ कि भैया जहाँ भी भोजपुरी की अश्लीलता की बात होगी मैं उसके खिलाफ इस जंग में आपके साथ रहूंगा, हूँ और आगे भी रहूंगा। इसलिए मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ नंद कुमार तिवारी भैया जी को, बहुत धन्यवाद करता हूँ देवरिया महोत्सव के उन तमाम भाइयों का जिन्होंने हमारी जन्मभूमि पे ऐसा बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया है, और बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि दिलकश नक्शा है सूरत तेरी प्यारी, क्या चीज मेरी जान कुदरत ने संवारी है। और देवरिया महोत्सव के तमाम पदाधिकारियों के लिए ये शेर अर्ज कर रहा हूं कि क्या पेश करूं तुझको, ढेर सारी बातें नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ इतनी ही पंक्तियां ये शेर अर्ज करता हूं कि किसको दिल दिया जाए, अब किसको दिल दिया जाए, ये दिल दिया जाए सोचना जरूर, किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है।
सबको इस जमाने में बेवफा नहीं नजर, सबको इस जमाने में बेवफा नहीं नजर, सबको इस जमाने में बेवफा नहीं नजर। कह रहा है कि सबको इस जमाने में बेवफा नहीं नजर, इसलिए कि यहाँ जो दिन रात एक करके देवरिया महोत्सव के हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं उनके लिए भी कहना है, बड़े भाई श्री नंद कुमार तिवारी जी के लिए भी कहना है कि सबको इस जमाने में बेवफा नहीं नजर, सबको इस जमाने में बेवफा नहीं नजर, सबको इस जमाने में बेवफा नहीं नजर। अच्छे लोग हैं ये, अच्छे लोग हैं बस ढूंढना जरूरी, अच्छे लोग और किसको देखना जरूरी, ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है, जो बड़ा जरूरी है, जो बड़ा जरूरी है। धन्यवाद।